किए हैं और अब बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की आपके, और आपको देखने वाले आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह आज एक जो है झुंड यहाँ पर जमा है, जबकि आज इलेक्शन है और लोगों को कहीं और होना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? देखें, जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ पर ये लोग नहीं है, तो ये इस बात की माजी कर रहा है कि ये तमाम लोग जितने भी हैं ये MQM पाकिस्तान के साथ हैं, और जो MQM ने बायकॉट किया है उसको भरपूर अंदाज में जो है इंजॉय भी कर रहे हैं। अगर आज MQM उस इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती है, और इस वक्त की जो कंडीशन होती है, तमाम लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो MQM के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो 400 300 200 वोट लेकर जहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं कि इलेक्शन तो उन्होंने लड़ लिया, लेकिन उनका भी वही हाल होगा जो माजरत के साथ हमारे साथ हुआ, हमारे मेयर के साथ हुआ, कि हाथ पांव बांध के समंदर में फेंक दिया गया कि अगर ज़िंदा निकल सकते हो तो निकल जाओ। उसमें हिम्मत थी, वो 4 साल तक लड़ा, कोर्ट से लड़ा, सारी चीज़ें की, निकल कर बाहर आया, और जितनी MQM ने कोशिश की कि वो इख्तियारात मेयर के लिए हों जो 140A के तहत होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिल सके। तो अब देखेंगे कि ये किस तरीके से उन इख्तियारात में रहते हुए इस कौम की खिदमत कर सकते हैं, क्या सफारी पार्क के टिकट से, या कराची चिड़ियाघर के टिकट से, या तारिक रोड और बहादराबाद की पार्किंग 20-20 रुपए की जमा कर कर इस शहर का निज़ाम चला सकेंगे, सिर्फ अपनी सीटें हासिल करने के लिए कि बस हमारा मेयर होना चाहिए। ऐसी मेयरशिप पे MQM नालत भेजती है जिससे वो आवाम की खिदमत ना कर सके। तो बस यही सिलसिला है, मैं लोगों से कहूँगा कि वो जुड़े रहें MQM के साथ, और इंशाल्लाह इसी तरीके से MQM उनके साथ खिदमत कर